है, लौटेंगे। एनडीए को लोकसभा चुनाव में भारी बढ़त, तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं हम, और तमिलनाडु में देखिए क्या है, 39 सीटों का ओपिनियन पोल आया है, 38 जो है वो एनडीए, और तो ये बड़ी खबर यहां पर मिलता है, बता रहे हैं आपको तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल जो है, ओपिनियन पोल में यहां पर एनडीए गठबंधन को बढ़त, ये बड़ी खबर, एनडीए को भी सीटें मिलने के यहां पर आसार है, 39 सीटें तमिलनाडु की जो है वो मेजर फैक्टर यहां पर इस ओपिनियन पोल में, इंडी गठबंधन को बढ़त, यानी कि इंडी गठबंधन के लिए एक अच्छा साइन है, केरल के बाद तमिलनाडु की यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सीटें हैं तमिलनाडु में, अगर 2019 की बात कर ली जाए तो वहां यूपीए को 38 सीटें मिली थी जब 2019 में चुनाव हुआ था तमिलनाडु में, एडीएमके को एक सीट, लेकिन इस बार की बात कर रहे ओपिनियन पोल की बात कर ले तो इस बार भी लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है, 39 में से 5 एनडीए को जाता दिख रहा है और 30 एनडी को, वहीं अदर्स के खाते में 4 सीट भी जाती हुई दिख रही है, यानी कि एनडीए को तमिलनाडु में खाता खुलता हुआ फायदा होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए गाड़ी आई, गाड़ी पर लिखा है तमिलनाडु में एनडीए को 5 सीट मिलती दिख रही है, जबकि 2019 में खाता तक नहीं खुला था तमिलनाडु में। ये साइन है कि देखिए केरल के बाद तमिलनाडु में भी एनडीए किस तरीके से एक अच्छे प्रदर्शन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, कि ये चीज हो रही है कि एनडीए जो है केरल के बाद तमिलनाडु में भी स्कोर्स पा रही है, और 8 सीटों का नुकसान कांग्रेस को दिख रहा है सीधे सीधे, यूपीए 38 सीट 2019 में, जबकि इस बार 30 सीटों पर, यानी कि 8 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है तमिलनाडु में यूपीए को, और अदर्स की बात कर ली जाए तो अदर्स पिछली बार बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर आंकड़े थे, 38 यूपीए के खाते में, वहीं एडीएमके को एक, यानी कि 39 में एक एडीएमके को, लेकिन इस बार एनडीए को 5 सीट तमिलनाडु में मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को 30, जबकि अदर्स के खाते में 4 सीट। ये फिगर्स मेगा ओपिनियन पोल में तमिलनाडु की 39 सीटों की, देखिए एनडीए 5, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दक्षिण के जो राज्य हैं, जिस तरीके से केरल को हम जिक्र कर रहे थे और जिस तरीके से हमने अब तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए कि वहां के जो लोकल फैक्टर्स हैं वो हमेशा स्टेट लेवल के जो मुद्दे हैं या तमाम जो चीजें हैं वो हमेशा चुनाव में लोकल पार्टीज को फायदा पहुंचाते रहे हैं, ये अब तक का इतिहास तमिलनाडु का रहा है, और यहाँ पर आप देखिए कि एनडीए वहां पर कुछ वक्त पहले तक विपक्ष की ओर से दक्षिण भारत और उत्तर भारत, इस तरह की भी एक चर्चा की शुरुआत की गई थी कि उत्तर भारत के लोग तो कैसे होते हैं और दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह की बातचीत हुई थी उत्तर दक्षिण करने की कोशिश, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एनडीए कामयाब होती दिख रही है अब दक्षिण में खाता खोलते हुए, और इस सवाल का जवाब मैं कौशल कांजी से लूंगी। कौशल कांजी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कौशल कांजी, क्या सुकून देने वाले ये आंकड़े आपको लग रहे हैं? हालांकि ये ओपिनियन पोल है और मेगा ओपिनियन पोल है, तमिलनाडु को लेकर बहुत सारे कदम उठाए बीजेपी ने, चाहे वो तमिल काशी संगमम हो, तमिलनाडु का सेंगोल हो, बार बार पीएम के भाषण में तमिलनाडु का जिक्र होना और तमिलनाडु में एक से एक रैली जनसभा को संबोधित करना, जहां कुछ नहीं था वहां 5 होता दिख रहा है। देखिए जब काम किया जाता है, पूरे देश के लिए काम किया जाता है, लाभार्थियों को राशन दिया जाता है, घर दिया जाता है, नल से जल दिया जाता है, उनको स्वास्थ्य की योजना दी जाती है, तो पूरे देश में जाती हैं, उसमें कोई तमिलनाडु केरला कर्नाटका की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और जो हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा काम धरातल पर नज़र आ रहा है, जनता के बीच में हम अपनी जगह बना पा रहे हैं, जहाँ पर हम नहीं थे, जहाँ पर हम कभी पार्टिसिपेट नहीं किए, हमारे लोग थे लेकिन अब पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, और इस बार देखिए 5 सीटें आ रही हैं, ओपिनियन पोल ये एग्रीड ओपिनियन पोल है, लेकिन 0 से 5 सीटें आना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि आगे चल के ये नंबर बढ़ भी सकता है और बढ़ेगा, क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं, हम राष्ट्र पे विश्वास करते हैं। आज जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि हम 5 साल की बात नहीं करते, हम अभी से लेकर 47 तक की बात करते हैं, इस 25 साल में हम अगले 1000 गठबंधन तो कुनबा जोड़ने में लगे थे, और यहाँ तो अब अगर इस ओपिनियन पोल को देखा जाए तो वो कुनबा तो बिखर गया और उसके बाद फिर ये नुकसान हो रहा है। देखिए उनकी बेरोजगारी महंगाई और गरीबी की जो वो बात करते हैं, वो बेरोजगारी महंगाई गरीबी उनके में आ गई है। आप सोचिए, वो लोग तो बेरोजगार ही समझेंगे ना, जो लोग गमले में 7 करोड़ की गोभियां उबा लेते थे, जो 10 एकड़ के खेत में 700 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फाइल कर लेते थे, उनमें तो गरीबी आ ही जाएगी, उनमें गरीबी जरूर आ जाएगी। ठीक है, लोगों को धर्मेंद्र जी के पास जाऊं, उससे पहले प्रदेशों में जमीन मिल जाती थी उनको, तो ये गरीबी फिर आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से बोलेगा धर्मेंद्र जी। में पीएम केयर फंड जमा होता है, कितने 1000 करोड़ जमा हो जाते हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बात नहीं करेंगे,
बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोगों का इलाज हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धि हो सकती है।